उज्जैन तालुक गांव में मुख्य मार्ग पर बनी हुई है बरसों पुरानी पुलिया और यह पुलिया हो चुकी है खराब। ग्रामीणों का कहना है कि हमेशा पानी में डूबे रहने की वजह से यह पुलिया खराब हो चुकी है और यह पुलिया अंदर से और बाहर से कमजोर हो चुकी है। वहीं रास्ता छोटा हो चला है और पुलिया के ऊपर से ट्रैक्टर ट्रॉली जेसीबी हार्वेस्टर कृषि उपकरण और कृषि वाहन नहीं निकल पाते हैं क्योंकि यह पुलिया कमजोर हो चुकी है और कभी भी धराशायी हो सकती है जिसमें बड़ा हादसा हो सकता है। प्रतिदिन यहां से ग्रामीण गांव में आना जाना करते हैं, साथ ही अपने खेतों पर भी आना जाना करते हैं, पर यह पुलिया खराब हो जाने की वजह से अब कृषि उपकरण और कृषि वाहन लाने और ले जाने में किसान परेशान हो रहे हैं और इस पुलिया पर से अपने वाहन निकालने में डर रहे हैं। किसान पुलिया सुधार की कर रहे हैं मांग, ग्रामीण लगातार इन मांगों को लेकर खड़े हुए हैं। बताइए क्या दिक्कतें आती है और नाला कहां पर है, क्या क्या परेशानी आती है? ये गांव का मेन नाला है जो इधर बहुत सारी जमीन भी है और पास में आप हाई स्कूल है, यहाँ से बच्चे निकल के जाते हैं। इसकी इतनी हालत खराब है कि इसमें हार्वेस्टर ट्रैक्टर वगैरह निकलने में बहुत ही दिक्कत आती है और ये कभी भी बहके जा सकता है और यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है। और अगर ये और ये मेन नाला है खेतों को भी जोड़ता है और हाई स्कूल को भी जोड़ता है और पूरे आधे गांव को भी जोड़ता है। अच्छा। आधा गांव भी पूरा इससे जुड़ा हुआ है और बहुत सालों से इसकी हालत ऐसी जर्जर बनी हुई है। क्या होगा इसमें? ये पूरा मतलब है ना, अगर ऊपर से भी पानी निकल जाए पूरा बहकर चला जाएगा, पूरी टूट फूट हो चुकी है। नीचे से भी पानी निकल रहा है इसमें, मतलब पूरा टूटा हुआ है, कभी बैठ सकता है, अभी हार्वेस्टर नहीं जा सकते, अभी फसल खड़ी है, हार्वेस्टर निकलती नहीं, ऐसी स्थिति है अभी यहाँ पे। तो बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर प्रेमचंद यादव है। अच्छा, मैं इस गांव का रहने वाला हूं और इस नाले की ऐसी स्थिति है कि जब बारिश होती है इस पे करीबन 5 से 6 फीट पानी इसके ऊपर से निकलता है और इसके नीचे भी इतनी जगह हो गई है कि ये नाला कभी भी बैठ सकता है नीचे और बड़ी दुर्घटना की संभावना है इसमें। अच्छा, सारे लोग यहीं से निकलते हैं? सारे गाँव का, आधा गाँव की खेती इधर है इसमें। अच्छा, तो ये अभी पे ट्रैक्टर वगैरह हार्वेस्टर वगैरह अपने कहाँ निकल रही सर की खेती, देखो आप कितने गड्ढे बने हुए हैं इसमें, ऐसी हालत है ना, कभी नीचे से बैठ गया तो सारी बहुत समस्या खराब हो जाएगी। 14 फीट चौड़ाई है और इस नाले की 10 फीट चौड़ाई है निकलने का। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।